बैक टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडोर एक्टिविटीज के बारे में जो आप 3 से 4 साल के बच्चों के साथ करवा सकते हैं ताकि उनके घर पे लर्निंग भी हो और उनको काफी मजा भी आए। तो ये वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है बिकॉज कुछ ऐसी एक्टिविटी हो के बारे में भी आज हम बात करेंगे जो हम जाने अनजाने बच्चों को नहीं करने देते हैं लेकिन उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि 3 से 4 साल के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, तब उनके बाद हम उनकी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपके बच्चे 4 साल के हैं, 3.5 साल के हैं, तो आप नोटिस करते होंगे उनकी स्पीच की डेवलपमेंट अब काफ़ी हो गई है। जैसे वो 3 से 5 वर्ड के सेंटेंसेस आराम से अब बोल सकते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, अगर आप उनको कोई कमांड देते हैं तो वो समझते हैं। तो 4 साल होते होते बच्चे इन सारी चीज़ों को समझने लगते हैं। दूसरी डेवलपमेंट आप नोटिस करते होंगे कि बच्चे अब खुद से कपड़े पहनना चाहते हैं, खुद से निकालना चाहते हैं। दो कई बार वो नहीं कर पाते लेकिन वो कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये एक चाह होती है बच्चों में खुद से हर चीज़ को सीखने की और करने की, तो ये एक डेवलपमेंट माइलस्टोन होता है। तीसरी चीज़ आप नोटिस करते होंगे, बच्चे अब आराम से सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, सीढ़ी पर उतर सकते हैं, अब उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। दो एज अ पेरेंट हम घबराते हैं बट बच्चों को अब ये बैलेंस वाली चीज़ आ जाती है, वो आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, काफ़ी तेज दौड़ सकते हैं, दौड़ते दौड़ते अचानक रुक सकते हैं, तो ये जो बैलेंसिंग वाली चीज़ है वो बच्चों में आ गई है। चौथी चीज़ आप डेवलप देखते होंगे कि मोटर स्किल डेवलप हो गया, जैसे बच्चे अब बहुत तेज़ बॉल फेंक सकते हैं, कैच भी करने लगते हैं, थ्रो कर सकते हैं, किक कर सकते हैं, तो ये एक चीज़ उन्हें समझ में आ जाती है। पाँचवीं चीज़ आप नोटिस करते होंगे, अब वो फ़र्क समझते हैं दिन और रात में। जैसे अगर आप उनको बोलते हो अभी मॉर्निंग है तो वो समझते हैं कि अभी सुबह है, दोपहर को समझते हैं, रात को समझते हैं, तो एक साइकिल अब वो समझ गए हैं कि सुबह होती है, दोपहर होती है, रात होती है। तो ये सारी चीज़ें 4 साल कंप्लीट होते होते बच्चों को समझ में आने लगती है। छठी चीज़ आप नोटिस करते होंगे कि बच्चों को अगर आप ये बोलते हैं अब कि ये आपका नहीं है, ये उस आंटी का सामान है, आपको नहीं छूना है, तो वो ये चीज़ समझते हैं, अपना तुम्हारा उनका ये जो चीज़ें हैं वो समझने लगे हैं। अगर आप उनको किसी चीज़ के लिए मना करते हो ये बता के कि ये उनका है तो वो नहीं टच करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बच्चे समझने लगते हैं। जैसे मेरी बेटी भी अब 4 साल की होने वाली है तो मैं ये चीज़ खुद नोटिस कर रही हूँ कि पहले की अपेक्षा अगर मैं अब वो चीज़ों को समझाती हूँ तो वो बहुत जल्दी समझती है। सातवीं चीज़ आप नोटिस करते होंगे कि बच्चे अब आपसे बात करते हैं, प्रॉपर बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, वो स्टोरी सुनना पसंद करने लगते हैं, स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट 4 साल कंप्लीट होते होते होती है कि स्टोरी में उनका इंटरेस्ट आ जाता है, अब वो सुनना भी पसंद करते हैं और सुनाना भी पसंद करते हैं। आठवीं चीज़, यहाँ आप नोटिस करते होंगे कि स्पेशली एजुकेशन के बारे में कि बच्चे अब कैपिटल लेटर समझ गए हैं, 4 साल कंप्लीट होने के बाद मैं बता रही हूँ, छोटे लेटर समझ गए हैं और मोटा मोटी वो कैपिटल अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट मोटा मोटी वो लिख लेते हैं। नंबर्स वो मोटा मोटी 20-30 तक आराम से काउंट कर लेते हैं, कुछ नंबर्स वो लिख भी लेते हैं, कलर्स को पहचानते हैं, शेप को पहचानते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है बच्चे वो समझने लगे हैं, उन्हें याद रहने लगा है। नौवीं चीज़ आप नोटिस करते होंगे कि बच्चों को अब जगह याद रहती है, अगर आप उनको कहीं लेके जाते हो, दोबारा से वहाँ लेके जाते हो, तीसरी बार जब लेके जाते हो तो उनको पता होता है कि यहाँ पे एक टर्न आएगा और यहाँ पे वो शॉप है। बिकॉज अब ये मैं खुद नोटिस करती हूँ कि जब हम लोग कहीं जाते तो आशी बताती है कि रुको रुको रुको, यहाँ पे वो आइसक्रीम शॉप है। तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें बच्चे को याद रहने लगी है, वो रास्तों को पहचानने लगे हैं और चीज़ों को याद रखने लगे हैं। दसवीं जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आप नोटिस करते होंगे, अच्छी अब वज़न उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने लगे हैं। जैसे मैं नोटिस करती हूँ जो हम एक चेयर है हमारे यहाँ फाइबर का, वो आशी आराम से उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख लेती है, उस पर चढ़ के कुछ ऊपर से उतारती है। तो बच्चे मुझे लगता है कि वेट लिफ्ट करना सीख जाते हैं, उन्हें बैलेंस भी आ जाता है, वेट लिफ्ट करना आ जाता है, तो अपनी क्षमता के अनुसार वो चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो मोटा मोटी 10 चीज़ें, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं बट ये 10 चीज़ें बच्चे 4 साल कंप्लीट होते होते बिल्कुल करने लगते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट माइलस्टोन है 4 साल के बच्चे का। हो सकता है आपके बच्चे इससे बहुत ज़्यादा करते होंगे, अच्छा करते होंगे, या थोड़ा कम करते होंगे, तो मोटा मोटी ये है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब बात आती है एक्टिविटी की, ऐसे बच्चे की ब्रेन काफ़ी फास्ट डेवलप हो रही थी, उनके साथ क्या एक्टिविटी करें। तो अब बात करते हैं पहली एक्टिविटी की। तो जो पहली एक्टिविटी मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो होगा ड्राइंग और पेंटिंग करें। जी हाँ, बच्चों को जब आप अल्फ़ाबेट लिखने बोलते हैं तो बच्चे बहुत पसंद नहीं करते। मैं साइड बाई साइड आपको इमेज भी दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें कलर्स नहीं होता, लेकिन जब आप बच्चों को पहले ड्राइंग और पेंटिंग करवाते हैं उसके बाद जब उनको लिखने बिठाते हैं अल्फ़ाबेट, तो थोड़ा वो इंटरेस्ट उनका आ चुका होता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि टाइम स्पेंड करने का बच्चों का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको आप ड्राइंग करवाएं, पेंटिंग करवाएं, साथ में बैठ के करें, कलरिंग करें। से क्या होगा, बच्चों को एक तो होल्ड करना आएगा, बैलेंसिंग आएगा, पेंसिल होल्ड करना आएगा, उनकी जो ये उंगलियां होती है काफ़ी मजबूत बनती है,
और वो क्रिएटिविटी भी डेवलप होता है। तो ये चीज़ आप करवा सकती हैं। मैं साइड बाई साइड सारी एक्टिविटी मैं खुद भी करती हूँ, तो मैं उसकी आपको एक साथ में क्लिप भी दिखा रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी जो मैं बोलूँगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये है आपका बोर्ड गेम। जी हाँ, 4 साल कंप्लीट होते हो तो बच्चे बहुत आसानी से बोर्ड गेम खेलते हैं, पजल वो आसानी से सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप उनको बेसिक चेस सिखा सकते हो, बेसिक कैरम सिखा सकते हो, तो बच्चों को बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद वो खुद ब खुद लगेंगे। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं बच्चों के साथ। आप शुरू में उनके साथ लगिए, फिर आप देखेंगे बच्चे खुद से करने लगे। तो माइंड गेम, बोर्ड गेम, इन सब चीज़ों से क्या होता है, माइंड काफ़ी शार्प होता है। तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी, वो मैं बोलूँगी रोल प्ले। रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले से बच्चे इमोशंस सीखते हैं। तो जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है, आशी अक्सर मेरी मम्मा बनती है और मैं आशी बनती हूँ, फिर वो रोल प्ले चलता है। कभी वो नानू बनती है, कभी वो नाना जी बनती है, कभी वो दादी बनती है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बच्चे डिफरेंट एक्सप्रेशन को सीखते हैं, खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हैं और इमोशंस को समझते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ है वो मैं बोलूँगी कि बच्चों को थोड़ा सा कुकिंग में इन्वॉल्व करें। अब ये नहीं बोल रही हूँ कि आप खाना बनाना सिखाओ, लेकिन जब आप कुकिंग करते हो तो बच्चों की आदत होती है, अक्सर वहाँ आ जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो एकदम से उनको आप मना मत करो, फायर से दूर रखो, बट कुछ उनको भी करने दो। तो इससे क्या होगा, एक तो उनको कुछ नया सा एक्सपोजर मिलेगा, उनकी लर्निंग भी होगी और बेसिक चीज़ें वो जानेंगे। जैसे मैं, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये सॉल्ट है, ये पेपर है, ये आपका टर्मरिक है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की नॉलेज भी डेवलप होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें वो जान पाते हैं। बाद में बुक में पढ़ेंगे कि ये सॉल्ट और शुगर है, लेकिन एक देख देख के भी बच्चे सीखते हैं। पांचवी एक्टिविटी जो मैं बोलूँगी वो होगा डांसिंग एंड म्यूजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को या तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करने दें, आप उनको ऑनलाइन भी कुछ सिखवा सकते हैं, या फिर आप घर पे भी बच्चों के साथ म्यूजिक प्ले करके डांस कर सकते हैं, बच्चे साथ में सिंग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे चैनल्स भी यूट्यूब पे डांस सिखाते रहते हैं, तो वो भी आप ऑन कर सकते हैं और साथ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जैसे ही आप साथ में लगेंगे, बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। छठी चीज़ ये है सेंसरी प्ले। जी हाँ, सेंसरी प्ले मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज इससे क्या होता है ना, बच्चों की जो सेंसेस होती है वो काफ़ी डेवलप होती है। तो इसके लिए आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में दिवाली की रंगोली की काफ़ी सारी सैंड, कलरफुल सैंड रहती है, तो मैं उससे आशी को खेलने देती हूँ। तो ये एक सेंसरी प्ले के लिए आप कोई भी प्रॉप का यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। सातवीं चीज़, बच्चों ने बैलेंसिंग सीख लिया तो आप 4 साल के बाद उनको साइकिलिंग सिखा सकते हैं। शुरुआत आप ट्रायल साइकिल के साथ करो, लेकिन बाद में आप उनको प्रॉपर साइकिलिंग सिखा सकते हैं। आठवीं चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चों के साथ आप इंडोर पिकनिक प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ डॉल हाउस प्ले कर सकते हैं या फिर स्पाइडरमैन प्ले कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, जब बच्चों के साथ करते हैं तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो बच्चे चीज़ों को करना सीखते हैं। जैसे मैं घर पर, अक्सर मेरे घर पर पिकनिक का प्ले होता है, तो फिर हम लोग कुछ नहीं, बस किचन से कुछ पैक करते हैं फूड, और ड्राइंग रूम में एक चादर बिछाते हैं और वहाँ पे हम लोग पिकनिक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, वो चीज़ों को खुद से करना सीखते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। नौवीं चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि बच्चों के साथ, अब बच्चों को आप स्टोरी ज़रूर रीड करें। बच्चों को जब आप स्टोरी रीड करते हैं तो एक अच्छा बॉन्ड भी आपके साथ डेवलप होता है, फिर बच्चों की एक अच्छी हैबिट डेवलप होती है, बच्चे फिर स्टोरी बताना सीखते हैं। जैसे बच्चों को अगर बार बार स्टोरी सुनाएंगे बुक्स की हेल्प से, तो एक तो उनका बुक में इंटरेस्ट आएगा, और दूसरी चीज़ ये होगी कि बच्चों की लैंग्वेज फॉर्मेशन होगी, वो स्टोरी बनाना, सेंटेंस फॉर्म करना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों को स्टोरी आप ज़रूर सुनाएं। और दसवीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों के साथ इंडोर प्ले कर सकते हैं। अगर बच्चे पार्क में नहीं जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी आप हाइड एंड सीक खेलो, पेपर क्राफ्ट के साथ खेलो, आप कुछ वाटर गेम कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप बच्चों के साथ इंडोर कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी जो एक्टिविटी है, वो 4 साल के बच्चों के साथ आप आसानी से कर सकते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट बना रहेगा, कुछ लर्निंग भी होगी और उनको मज़ा भी आएगा। तो ये मेरा एक टेक है एक्टिविटी के ऊपर। आप मुझे लिख के बताएं कि आपके अगर बच्चे 3 या 4 साल के हैं, तो आप क्या एक्टिविटी उनके साथ करती हैं और बच्चों को क्या चीज़ें आप सिखाती हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप मुझे इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसकी अभी लाइंस खुली हुई है, 26 मार्च लास्ट डेट है। मैंने इस वीडियो की लिंक भी यहाँ पे दे दी है, तो आप वहाँ जाके पार्ट लें और देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।